हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। तो चलिए आज लेके आया हूँ क्वेश्चन आंसर्स मेमोज ऑफ छोटा साहिब का। इसका मैंने दो पार्ट बनाया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। जो ये चैप्टर है ये डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा अगर नहीं देखा हो तो। अगर देख लिया है तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि फ़ायदा उठा सके, और प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्कुल करें, बिना सब्सक्राइब किए जाना मत, क्योंकि इतना शानदार शानदार वीडियो बना के छोड़ता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया था। देखिए पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, नेम द बुक फ्रॉम व्हिच मेमोर्स ऑफ छोटा साहिब टेकन। जो मेमोर्स ऑफ छोटा साहिब है, ये जो ऑटोबायोग्राफी है लिखा है, ये कहाँ से लिया गया है, ये जो स्टोरी है कहाँ से लिया गया है। 2019 में आ चुका है ये क्वेश्चन, इट इज़ टेकन फ्रॉम द बुक ए छोटा शाही मेमोर्स ऑफ ए फॉरेस्ट ऑफिसर, यहाँ से लिया गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मार बोट एंड हाउ इज इट ऑपरेटेड। मार बोट क्या है और इसको कैसे ऑपरेट किया जाता था, कैसे इसको उपयोग किया जाता था। देखिए मार बोट इज ए काइंड ऑफ फेरी, इंग्लिश में फेरी कहते हैं इसे, ठीक है ना। एक कैसे करता है कि टू ओपन बोट, दो बोट को एक साथ मिला के कवर्ड विथ ए प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया जाता था ताकि लोग खड़ा हो सके, बैठ सके। मेड ऑफ ए वुडन प्लैंक, प्लैंक मतलब तख्ता, सो लकड़ी से बनाया जाता है तख्ता, ठीक है, उससे प्लेटफॉर्म बनाया जाता था नाव के ऊपर। दिस बोट्स वेयर पेडल्ड अक्रॉस द रिवर, तो ये बोट जो हाथ में लकड़ी लेके जो पेडल मार मार के एक जगह से दूसरे जगह क्रॉस होता था नदी को, ठीक है, और वेयर प्रोपेल्ड बाय द फोर्स ऑफ द बोट ऑफ अनदर केबल स्ट्रेस अक्रॉस द रिवर। नहीं तो ये केबल चला, कैसे चलाया जाता था, प्रोपेल्ड मतलब चालित लिखा गया है, देखिए कैसे चलाया जाता था, वो जो नदी का जो करंट है, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं, नदी का जो वेव है, फ्लो है, वो जिस तरफ लेके जाता था वैसे का वैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जाता था, तो ऐसे करके मारबोट चला जाता था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ वेल अनयूजुअल विजिट डिट राउंडट्री हैव इन हिज बंगलो वन नाइट। एक रात को राउंडट्री के बंगलो में कौन आया था, 2018 में आया था क्वेश्चन, कौन आया था, टाइगर आया था। 4 नंबर सवाल, हाउ डिड जॉन राउंडट्री फाइंड द वेदर व्हेन ही अराइव्ड एट गुवाहाटी। गुवाहाटी में जब आया था उनको वेदर कैसा मिला था, उनको वेदर कैसा लगा था, 2018 में फिर से आया था। ही फाउंड इट बेयरेबल, वेदर काफ़ी बेयरेबल था, वो पेशेंट कर सकता था, ठीक है, वो रहने लायक था कम से कम वेदर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु इज छोटा साहिब, छोटा साहिब कौन है। इन द मेमोर्स ऑफ छोटा साहिब, मेमोर्स ऑफ छोटा साहिब जो स्टोरी है इसमें छोटा साहिब कौन है, हमको तो पता ही है जॉन राउंडट्री है। जॉन राउंडट्री, देखिए कॉमा देखिए, देखिए बीच में क्या लिखा है उसके बारे में, जॉन राउंडट्री पहले कौन था उसके बारे में दिया गया कि द लास्ट ब्रिटिश सीनियर कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आसाम, फॉरेस्ट ऑफ आसाम के रक्षक था, सीनियर रक्षक कंजर्वेटर, ठीक है ना, ब्रिटिश कंजर्वेटर थे। तो ये तो हो गया बीच में, देखिए जॉन राउंडट्री वॉज द छोटा साहिब इन द मेमोर्स ऑफ छोटा साहिब, मेमोर्स ऑफ छोटा साहिब में छोटा साहिब कौन थे, जॉन राउंडट्री ही थे। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 और 2020 दोनों में आए थे। व्हाट पोजीशन डिड जॉन राउंडट्री होल्ड बिफोर लिविंग शिलोंग ए फ्यू डेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के कुछ ही दिन बाद वो शिलोंग से चले गए थे, कौन, जॉन राउंडट्री। तब उनका पोजीशन क्या थे, वो कौन, उनके पोजीशन क्या थे, सीनियर कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट आसाम, फॉरेस्ट ऑफ आसाम के सीनियर कंजर्वेटर थे, ये थे उनके पोजीशन। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डस राउंडट्री टॉक ऑफन इन मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब, 2014 में आए थे। देखिए मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब में वो ज़्यादातर किसके बारे में बातें कर रहा था, ही ऑफन टॉक्स अबाउट द टाइम ही स्पेंट इन गुवाहाटी, गुवाहाटी में जब उन्होंने समय बिताए थे उसके बारे में ज़्यादातर बातें किए हैं, ठीक है ना, इट्स नेबरिंग एरियाज, और गुवाहाटी के आसपास के एरिया के बारे में भी बताता है। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014, 2016, 2019 तीनों साल आए थे, शायद इस साल भी आ सकता है, या देखिएगा, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीकॉक आइलैंड, पीकॉक आइलैंड के बारे में बताना है कि पीकॉक आइलैंड कैसा थे, क्या थे उनमें, चलिए पढ़ते हैं। द पीकॉक आइलैंड नाउ नोन एज उमानंद आइलैंड, पीकॉक आइलैंड को आजकल उमानंद आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था, जाना जाता है स्पेशली, इज द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड इन द मिड्स ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। देखिए रिवर ब्रह्मपुत्र है, उनके बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, तो उन्हीं में उमानंद आइलैंड है, उमानंद मंदिर है, टेम्पल है। फ्लोइंग थ्रू गुवाहाटी, जो गुवाहाटी के बीच में है ब्रह्मपुत्र, उसी के ब्रह्मपुत्र के मिडिल में एक आइलैंड है, उसको पीकॉक आइलैंड बोलते हैं, या फिर उमानंद आइलैंड भी बोला जाता है। द ब्रिटिश नेम्ड इट एज पीकॉक आइलैंड, तो ब्रिटिश ने इनको पीकॉक आइलैंड के नाम से नाम दिया था, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही शायद ऐसा था। पीपल सेड दैट, लोग क्या कहते थे, सबसे पहले देखिए, पीपल सेड दैट इन द कोल्ड वेदर, ठंडे के मौसम में ब्रह्मपुत्र श्रैंक, ब्रह्मपुत्र सिकुड़ जाता है, ठीक है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन पीकॉक आइलैंड एंड द मेनलैंड ग्रिव लेस, और जो पीकॉक आइलैंड और मेनलैंड का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र सिकुड़ जाता है, पानी कम हो जाता है, तो ऐसा दिखाई देता था कि डिस्टेंस कम हो चुका है मेनलैंड और पीकॉक आइलैंड के बीच में। छोटा साहिब डिस्क्राइब दैट देयर वॉज नो पीकॉक एक्सेप्ट मंकीज, और छोटा साहिब ये भी कहता है कि वहाँ पर पीकॉक था ही नहीं, सिर्फ बंदर था ऐसा। तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2015 में भी आए थे। देखिए व्हाट इज द बिलीफ अबाउट द डिवाइडिंग चैनल बिटवीन पीकॉक आइलैंड एंड द मेनलैंड ऑफ गुवाहाटी दैट द ऑथर मेंशंस। तो देखिए गुवाहाटी, गुवाहाटी दो दो
यहाँ पर लिखा है एक एक गुवाहाटी, GAU गुवाहाटी, ये पुराना इंग्लिश है। 1947 से पहले जब गुवाहाटी, पहले गुवाहाटी बोला जाता था इंडिपेंडेंस से पहले, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद लोग इसे गुवाहाटी नाम से जानते हैं, GUWHATI। तो अभी क्वेश्चन समझ लेते हैं कि लोगों में एक विश्वास था, क्या विश्वास विश्वास था, जो चैनल है, चैनल मतलब रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, एक तरफ था पीकॉक आइलैंड, एक तरफ था मेन लैंड, ठीक है। तो उसी के बारे में लोग, छोटा साहिब ने मेंशन किया है कि लोगों में एक विश्वास था, किसके बारे में विश्वास था, पीकॉक आइलैंड और मेन लैंड जो डिवाइड करता है, एक रिवर जो डिवाइड करता है इस दो एरिया को, उसके ऊपर एक विश्वास था, क्या विश्वास था, देखिए, देयर वॉज अ बिलीव दैट, यही विश्वास था क्या, इफ़ दिस चैनल, अगर ये चैनल, चैनल कौन सा था, चैनल मतलब रिवर कौन सा था, बिटवीन पीकॉक आइलैंड एंड द मेनलैंड, मेनलैंड और पीकॉक आइलैंड के बीच में जो रिवर था, इफ़ चैनल एवर ड्राइड अप कम्प्लीटली, अगर ये एक दिन पूरा का पूरा चैनल जो है रिवर अगर सूख जाता है, इट वुड मीन द एंड ऑफ द ब्रिटिश राज, इसका मतलब यह होगा कि ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अगर ब्रह्मपुत्र का पानी जो पीकॉक आइलैंड और मेनलैंड के बीच में है, ब्रह्मपुत्र थोड़ा सा, वो अगर सूख जाता है ना, और पीकॉक आइलैंड और मेनलैंड एक हो जाता है, तो ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा, लोग ऐसे मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2020 में आए थे कि ब्रीफली डिस्क्राइब द सीन ऑब्जर्व बाय द ऑथर फ्रॉम द बरामदा ऑफ हिज बंगलो ऑन द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बैंक में किनारे जो बंगलो थे, बंगलो से उनको क्या सीन दिखाई देते थे, बंगलो का जो बरामदा है ऊपर टॉप फ्लोर पे, वहाँ से क्या क्या दिखाई देते थे उसके बारे में बताना है। चलिए क्या है, जॉन राउंड्रिस, तो इसको ख़त्म करने से पहले आपने पढ़ लिया होगा, प्लीज़ BHT ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरा वीडियोस भी देखें, ठीक है ना। चलिए समझाते हैं, जॉन राउंड्रिस बंगलो वाज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ गुवाहाटी, गुवाहाटी के नॉर्थ साइड में थे उनका बंगलो, देयर ही कुड सी फ्रॉम द टॉप ऑफ द बंगलो, बंगलो के जो टॉप साइड है उधर एक बरामदा था, बरामदा फ्रॉम व्हिच ही हैड ए स्प्लेंडिड व्यू, एकदम सुंदर व्यू दिखाई देता था ऑफ द रिवर, उधर से रिवर दिखाई देता था, एंड शिपिंग वाज पर जो जहाज वगैरह नाव वगैरह चलता था वो भी दिखाई देता था, एंड द बियॉन्ड उसके बाद क्या थे, द हिमालयस पहाड़ थे, उस तरफ पर्वतमाला था, इन द फोरग्राउंड और उससे आगे क्या थे, वाज पीकॉक आइलैंड, वहाँ पर एक पीकॉक आइलैंड हुआ करते थे, विद द डॉम, उसका जो डॉम है ऊपर वाला हिस्सा वो दिखाई देता था, एक टेम्पल का, मंदिर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा गोल, ठीक है, जैसे मैं दिखाई दे ऐसा करके जो होता है मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा गोल होता है ना, तो ये वाला जो हिस्सा ये दिखाई देता था, ये कहाँ पर था, ये पीकॉक आइलैंड में था, ये मंदिर का डोम जो हिंदू टेम्पल थे, जस्ट विजिबल थ्रू द ट्रीज, वो पेड़ पौधे के बीच में से ये डोम दिखाई देता था। तो ये था कि उनके बंगलों से क्या क्या दिखाई देता था, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ BHT ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम BHT ट्यूशन क्लासेस करके है उसको भी फॉलो करें, थैंक यू सो मच।